नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। 30,000 मदरसे हैं। तो जब अगर सवाल किया जाए कि पाकिस्तान का क्यों पाकिस्तान ठीक नहीं हो रहा, कहते हैं मजहब से दूरी है। फिर 30 लाख मदरसे चाहिए आपको? बात तो मैंने सिर्फ एक इशू पर करना थी और वो ये है कि हम देख रहे हैं कि यूएनजीए के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर रहेंगे इंडिया। हमने अमेरिका की जंग में 80 लाख शहादतें। तो आखिर ये जो यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहां पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी, हम ये पूछना चाहेंगे। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो उसके ऊपर बात होगी, बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। प्लीज आप हमें जरा बताइएगा कि इसमें वो क्यों तशरीफ लाए आपकी तरफ। ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका पहला विजिट है, पहला इन्होंने विजिट अगर इंडिया चूज किया लिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियोपॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियोपॉलिटिक्स में। G20 की प्रेसिडेंसी है, SCO की प्रेसिडेंसी है, उन्हें अभी वो लोगों से यहाँ मिलेंगे, उसके बाद वो बेंगलोर जाएंगे, वहाँ ISSC में मिल जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। आज वो हमारे जो राष्ट्रपिता है, आज उनका शहीदी दिवस है महात्मा गांधी जी का, वहाँ गए थे, उनके स्मारक पर उन्होंने फूल चढ़ाए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिले, डेलीगेशन से मिल रहे, लोगों से मिल रहे। तो 3 दिन का विजिट यूजुअली बड़ा विजिट माना जाता है, क्योंकि अभी जो सारी जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो जियोपॉलिटिकल सेंटर अभी है हर चीज़ का, वो इंडिया हो रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो भी एक रीज़न था, बेंगलोर का विजिट था, G20, SCO की प्रेजिडेंसी, काफ़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो हो रही है उसका एपी सेंटर इंडिया में। और आप ये मत बोलिए कि इंडिया इज़ द ओनली इकोनॉमी विच इज़ अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, और इंडिया एक ही बिग बड़ी इकोनॉमी है जो 7-8% में ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत आनी पड़ी इंडिया ने की, और इंडिया वन ऑफ द हाइएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियोपॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है, तो इन्होंने इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें, तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया मोदी जी को ही कह रहे हैं सब कि भाई आप मीडिएट करके इसको ख़त्म कर दो। और आप रशियन यूक्रेनी वॉर के दुनिया भर में आप इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, रिट्रेचमेंट हो रही है, गूगल जैसे को गूगल तक को लोग निकालने पड़ रहे हैं। तो ये जो मैं आपके चैनल पे काफ़ी बार प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक बार मैंने किसी एक चैनल पे बोला था गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा, तो लोगों ने मुझे गूगल की बैलेंस शीट उठा के DM कर दी। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाएगा, तुम देखना रिट्रेंचमेंट होगा, क्योंकि मार्केट चलता है सेंटिमेंट पे, सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का ख़राब है, सेंटिमेंट कोई बहुत अच्छा है नहीं। तो ये सब चीज़ों के होते हुए आलिया जी, ये ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ आए, वो यहाँ अपने सबसे मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले। मुझे पता नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे नहीं मिल रहे, अभी उसके मेरे पास कोई कंफर्मेशन है नहीं, उसका प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे। खैर, MEA में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ये हुआ, तो ये और ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते स्टैचर को सलाम, आप स्टैचर में आया आपके यहाँ, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का गवर्नमेंट है, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का अहंकार है, बट ये एक कहते हैं यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। इट इज़ अ सिचुएशन वेर यू आर कमांडिंग रेस्पेक्ट, यू आर नॉट डिमांडिंग, नहीं आपको हमारे यहाँ पहले आना पड़ेगा। तो ये आ रहे हैं। और अगर आप देखें, अगर आप पिछले 2 साल से देखिए, जैसे कोविड की थोड़ी परिस्थिति हट गई है, हल्की हो गई कोविड, तो आप देखिए हमारे यहाँ हर हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है, पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखें, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे,
कभी वो आपको वो दिल्ली में या तो किसी ना किसी के साथ दिखेंगे या कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब जाएंगे तो पूरे मंत्रालय जो पूरी मिनिस्ट्री उनको भी सचेत रहना पड़ता है, और खासकर जब कोई यहाँ आता है उसके संदर्भ में भी तो और भी चीजें और भी तैयारी करनी पड़ती है। जब मिनिस्टर साहब जाते हैं डेलीगेशन भी जाता है। IISc ने काफी सारे ब्रेक थ्रूज किए इंडिया में, काफी सारी जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है हमने बनाई है। अभी देखिए आलिया जी, वाटर इज वेरी स्केयर्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट बड़ी जंग होगी वाटर पे होगी, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान इज द थर्ड वाटर डेफिसिट कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 3 नीचे से आप आते हैं कि पानी की किल्लत इतनी है। और दूसरी बात, आपने जो ग्राउंड वाटर निकाल रखा है काफ़ी डीप तक जाके आपने ग्राउंड वाटर ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। अब वाटर कंजर्वेशन को लेके पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा कुछ होता है नहीं, मतलब पानी आता निकल जाता बह जाता है। वाटर कंजर्वेशन आपस ऑन इट्स ओन इज अ वेरी वेरी बिग बिजनेस, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में हर एक को चाहिए। देखिए अगर आप देखिए कतार की अब मैं बात करूँ, आज कतार ने कितना पैसा लगाया वाटर कंजर्वेशन में, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, और कतार का पर कैपिटा कंजप्शन भी शायद 450 लीटर पर पर्सन है, विच इज़ वेरी वेरी विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। बट अब उनसे पूछिए कि वो 450 लीटर पानी के लिए वो कितने $10-$30 खर्च रहे हैं उतना पानी लेने के लिए, $100 दिन का पर पर्सन। तो ये जो हमें चीज़ें यहाँ फ्री में मिल रही है, इसको अब इंडिया अब आगे चल चुका है। इंडिया की अगर मैं आपको बात बोलूँ, यहाँ हम किसी चीज़ को फ्री में नहीं मानते, रिलीजियसली भी और कंट्री वाइज भी, कि यार हर चीज़ फ्री में कोई नहीं है तो निकाल दो, ज़मीन से निकाल दो। ऐसा नमाज तर्जमे के साथ आपको आती नहीं है पढ़ने के लिए, आप बाबों के साथ जाके तवीज़ लेते हैं। मैं आप इसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारे ओम चौधरी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में फरमाया है कि हमारी फर्स्ट लेडी सेक्रेटरीज की तस्वीरें देखती थी और उनके नाम देखकर उनकी अपॉइंटमेंट होती थी। हमारी फर्स्ट लेडी जो कि मुर्शिद हैं, वो आपके सेक्रेटरीज की प्रमोशन के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए तस्वीरें देखकर उनके नाम देखकर प्रमोट करती थी। अगर मुल्क मुर्शिदों ने चलाना है तो ये आप फिर आप अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम से दूर है, मुर्शिद तो पाकिस्तान चला रहे थे तो इस्लाम से दूरी क्या थी। मेरी आज रिक्वेस्ट होगी कि हमारे मुर्शिद जो है वो दुआ क्यों नहीं करते IMF वाले जाती दफा गलती से 30-40 बिलियन वैसे ही छोड़ दें पाकिस्तान में। अगर ये बात है तो करते क्यों नहीं है, अगर इतने पावर है, अगर बताते थे कि एक लंबा आदमी पहाड़ों से उतरेगा वो वजीर आजम बनेगा, वो अगर बात ठीक होगी तो दुआ करें IMF वाले भी आपको कोई 40-45 बिलियन डॉलर जो है जाती दफा छोड़ दें, आपके मसले हल हो जाए। और खरबों रुपए का नुकसान दिया। याद रखने, जब आप मुल्की फैसले अपने अवाम और मुल्क के मफाद की बजाय बैरूनी एजेंडों के तहत करेंगे तो दहशतगर्दी आपके घर पर दस्तखत देगी। इस पे बहुत मुश्किल पाक फौज की लातदाद कुर्बानियों के बाद काबू पाया गया था। आपको याद होगा इख्तलाफ राय हम भी मोहतरम इमरान खान साहब से करते रहे, तरीके इंसाफ के चेयरमैन से। उन्होंने कहा था 9 अप्रैल से पहले ये रिजीम चेंज साजिश का हिस्सा ना बने, ये मुल्क बहुत मुश्किल से अपनी रास्ते पे चला है। लेकिन बंद कमरों के फैसले, आईन और कानून की बजाय बंद कमरों के फैसलों ने आज 32 से ज्यादा लोगों को शहीद और सैकड़ों जख्मी कर दिया। इनके कातिल और कोई नहीं, हम सब हैं। नहीं, अब तो शिद्दत से करना चाहिए, खत्म करना चाहिए बड़ी साहब, और हम ये चाहते हैं। काजी साहब, अमेरिका आपके मुल्क में अमन नहीं होने देगा, भारत आपके मुल्क में अमन नहीं होने देगा। आपने फैसला अब करना है पाकिस्तान के दारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, कि क्या 20 साल जो आपने अमेरिका की जंग लड़ी 22 करोड़ अवाम को फिर उसमें धकेलना है, या लोगों की जानों माल के तहफ्फुज़ के लिए आपने आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। काजी साहब, इसका खदशा था होगा। मुराद सईद आज से 8 महीने पहले कह रहा था कि टेररिस्टों का KPK में दोबारा कमांड हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। UNG के प्रेसिडेंट पहली बार किसी भी बायलेटरल दौरे पर आए हैं। उन्होंने सबसे पहले भारत का दौरा किया है। UNG के GA के प्रेसिडेंट भारत में 3 दिन का दौरे के लिए आए हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बेचैन है क्योंकि भारत में एक के बाद एक लगातार दौरे होते चले जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल सूना पड़ा है। पाकिस्तान में ऐसे तैसे करके
यूएई के प्रेसिडेंट ने आने का विचार भी किया तो तब तक एक मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, जिससे उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों का गुस्सा अमेरिका और भारत पर फूटा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका और भारत हमारे मुल्क में अमन नहीं होने देंगे, क्योंकि अमेरिका के चक्कर में हमने अपनी 80,000 से ज़्यादा लोगों की जान गंवा दी हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से बदले में डॉलर दिए थे, तभी तो पाकिस्तान ने डॉलर के लिए अपने लोगों की जानें गंवाई थी। अब उसी दौर में फिर से पाकिस्तान वापस जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दहशत में है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।